हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस प्री रिवीजन बैच के अंतर्गत स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर एक बेसिक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने अभी तक कोई भी करंट अफेयर तैयार नहीं की, वो भी नहीं घबराए। अभी दो चीज़ें, वो बेसिकली हम पेज 65 को भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी काफ़ी हद तक करंट अफेयर हो जाएगी। और कुछ थोड़ी बहुत एक क्रॉस चीज़ के लिए आप सुन अकेडमी की कुछ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ सकते हो, जिससे आपके करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो सके। हमारे द्वारा हमारे इस बैच के अंतर्गत पॉलिटी की PT 365 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इकोनॉमी की PT 365 को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पहले अपने बेसिक को जरूर अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जिन्होंने अगर बेसिक को पढ़ रखा है उनको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। और क्या मामला है, एक एक लाइन को बहुत शानदार तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपका ध्यान इस पे होना चाहिए और एक एक चीज को कॉन्सेंट्रेशन से आपके द्वारा समझना चाहिए। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। आप सभी के पास, हमने एक ग्रुप में भी शेयर कर रखी है, PT 365 सभी के पास है, हिंदी में है, प्लीज आप उसको देख सकते हैं। दोबारा आपने ऑलरेडी शेयर कर रखी, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको दी गई लगभग लगभग इसमें 117 पेज तक आपको PT 365। इसमें बेसिकली आपकी मई 23 से लेकर के और दिसंबर 23 तक की करंट अफेयर को लिया गया है, और हमें पढ़नी है कहाँ तक, मार्च 23 तक की करंट। ठीक है ना, तो अभी 3 महीने की इसके अलावा और करंट अफेयर हमें पढ़नी पड़ेगी, जो आएगी एक्सटेंडेड PT 365। ठीक है ना, वो अभी आएगी, वो भी एक्सटेंडेड PT 365। ठीक है, तो इसमें से बेसिक चीजें हमें करनी है, किस तरीके से करंट अफेयर की एक एक चीजों को हमें कवर करना है, वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और बेसिकली आपने बेसिक पढ़ा होगा, तो ग्रोथ का मतलब होता है एक तरह से गुणात्मक, नहीं मात्रात्मक, आपकी GDP बढ़ रही है, ये आपकी ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब GDP का फायदा, रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और ये बहुआयामी होती है, बेसिकली गुणात्मक। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात है PT 365 को पढ़ना कैसे। सभी लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, कोई नई चीज इसमें है नहीं, लेकिन जो पढ़ना कैसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो बेसिक थ्योरी है उसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ बेसिकली क्या आया है, देखो करंट में एक चीज है, करंट कुछ नहीं हुई, इसमें कहा गया है कि जो हमारी वृद्धि दर है वो 7.8% रही थी अप्रैल मतलब 2023-24 में, यानी 1 अप्रैल से और 30 जून तक हमारी जो ग्रोथ रेट रही 2023 में वो 7.8% रही। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ग्रोथ का मतलब होता है GDP, मान लो पहले हमारे 100 रुपये थी, अब इसका 107% ऐसे गणना करके 107.8 ऐसे रुपये हो गई, तो ग्रोथ रही है हमारी इस क्वार्टर के अंतर्गत। अब देखो ग्रोथ GDP की वृद्धि दर, अब देखो करंटली बेसिकली क्वेश्चन क्या आएगा, GDP गणना की 2 विधि, एक रियल GDP एक नॉमिनल GDP। रियल GDP की अगर हम बात करें तो बेसिकली GDP का आकलन करती है वह है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, ये करता है। अगर ये स्तर प्राइस के आधार पर, स्तर प्राइस का मतलब होता है आधार वर्ष के आधार पर, क्योंकि तो आधार वर्ष सामान्यतः हम उस वर्ष को चयन करते हैं जिस वर्ष में प्राइजों की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा नहीं हो, प्राइस थोड़ी अप डाउन ज्यादा नहीं हो, स्थिर रही हो, उस वर्ष के आधार पर हम रियलिटी में चेक करना चाहते हैं कि हमारी GDP में ग्रोथ कितनी हुई। GDP मतलब कैसे काउंट करते हैं, 10 वस्तुएं मान लो, उसको प्राइस है 10 रुपये, तो कितनी हो गई GDP, 100 रुपये। और मान लो 11 वस्तुएं प्राइस कितनी है, मान लो 10 रुपये कितनी होगी, 110। तो ये जो ग्रोथ हुई है इसे मानेंगे हम रियल GDP, मतलब कि प्राइस सेम है लेकिन ग्रोथ हुई। तो अगर आधार वर्ष के आधार पर यदि हम GDP को कैलकुलेट करते हैं तो इसे बोलते हैं रियल GDP, और अगर करंट ईयर के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, अगर ये रेट हम करंट ईयर की लगाएंगे तो इसे बोलेंगे हम नॉमिनल GDP। और सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय इसका यूज करते हैं। इसके अलावा होता है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर का मतलब रियल GDP अनुपात नॉमिनल GDP, यानी कि रियल GDP और नॉमिनल GDP का जो अनुपात होता है वो बताता है GDP डिफ्लेटर, यानी GDP में डिफ्लेशन, यानी GDP है उसमें इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। जैसे मान लो, सिंपल सी बात है तो बेसिक है, लेकिन हम इसको बता रहे हैं। जैसे मान लो 2011-12 हमारे आधार वर्ष है, 2011-12 हमारे आधार वर्ष है, और 2011 आधार वर्ष में मान लो प्याज की 10 kg प्याज की कीमत है वो मान लो 10 रुपये है, तो 10 × 10 = 100 रुपये हो गए, आपकी GDP कितनी हो गई, 100 रुपये। अब 2017 की अगर मैं बात करूं, आपने प्याज का उत्पादन 10 kg किया मान लो,
लेकिन आपकी इस समय प्राइस होगी 15 रुपये, आपके कितने होंगे 1 रुपये। तो यहाँ आपकी 150 हो गई, यहाँ आपकी 100। तो इस आधार पे कहा जाता है कि ये है आपकी रियल जीडीपी। रियल का मतलब रियलिटी में आपका प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, बस प्राइस बढ़ी है। अब प्राइस बढ़ना क्या है, आपका इन्फ्लेशन है। तो कैसे निकालेंगे, 150 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, यानी कि हम ये मानेंगे कि हमारे 1.5 मतलब कब लगभग 50% हमारा इन्फ्लेशन है इसके अकॉर्डिंग। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का जो प्रोपोर्शनेट है, जो अंतर है, वो क्या होता है आपका जीडीपी में, ये बताता है कि इन्फ्लेशन किस सीमा तक बढ़ा है, इन्फ्लेशन किस सीमा तक बढ़ा है, इन्फ्लेशन को बताता है। इन्फ्लेशन का मतलब वस्तुओं की कीमतों में किस सीमा तक बढ़ी। ठीक है, जीडीपी गणना आप सभी जानते हैं। एक होता है मूल्य वर्धित विधि, वैल्यू एडेड जीवीए बोलते हैं जिसको, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसे मूल्य वर्धित। मूल्य वर्धित का मतलब है कि जैसे मान लो मैं कह रहा हूं, अगर मान लो गेहूं है, तो गेहूं की कीमत मान लो 100 रुपये है। ये हो गया आपको प्राथमिक सेक्टर, कृषि सेक्टर। गेहूं जब एक कंपनी बिस्कुट बनाने वाली कंपनी के पास गया, तो इसकी कीमत हो गई मान लो 110 रुपये। तो 110 रुपये हो गई, क्योंकि 10 रुपये उसमें क्या हुआ, वैल्यू एडिशन। तो यहाँ वैल्यू एडिशन गेहूं में पहली बार कितना जोड़ा था, 100 रुपये। इस बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ने कितना जोड़ दिया इसमें, 10 रुपये। और लास्ट में जब ये होटल में गया बिस्किट बिकने के लिए, तो इसकी कीमत हो गई थी मान लो 130 रुपये। तो इसने कितना बढ़ाया, 30 रुपये, मतलब 20 रुपये। तो इस आधार पर, इस ये जीबी हम कैलकुलेट करते हैं क्षेत्र और आधार पर हम वैल्यू एडिशन को चेक करते हैं। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, 100 प्लस 10 प्लस 20 अर्थात 130 रुपये। तो जीबीए कितना है आपको, 130 रुपये। तो जो मापक उत्पादन विधि की जीवीए विधि है, वो सेक्टर वाइज हमें बताएगी कि किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है और किसी वस्तु का कितना रोल है प्राथमिक सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर। तो जीवीए बेसिकली उत्पादन में प्रत्येक चरण, प्रत्येक स्टेज पे कितना ग्रोथ की गई है, कितना मूल्य वर्धन किया गया, उसको बताओ। आय विधि का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, एक प्रोडक्शन में लगने वाले जो साधन होते हैं, यानी कि इस विधि के उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित आय को हम आय विधि पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे उत्पादन के साधन कौन से होते हैं, एक होता है कैपिटल, है ना, एक तो पूंजी लगानी पड़ती है, एक लगाना पड़ता है आपको रेंट मतलब भूमि, लैंड, ठीक है ना, कैपिटल। इसके अलावा दूसरा होता है साधन आपका रेंट, यानी तीसरा आपका होता है मान लो उद्यम, तो उसको चला जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो चार जो साधन होते हैं आपके उत्पादन के चार साधन आप सभी जानते हैं, एक होता है भूमि, ठीक है, एक होता है श्रम, एक होता है आपका भूमि श्रम, एक होता है पूंजी और एक होता है उद्यमशील। इनका जो साधन होते हैं, इसमें भूमि में साधन लागत क्या होगी आपकी, इसके लिए आपको रेंट देना पड़ेगा। श्रम में क्या देना पड़ेगा, बेच देनी पड़ेगी। पूंजी में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उद्यमशीलता में क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट। तो इन चारों का देखो, ये जो साधन है, इन साधनों से लगने वाली जो लागत है वही इनकम होती है। इनकी तो इनकम है, मान ले भूमि जिसकी है उसको रेंट मिलेगा तो उसमें इनकम हो जाएगी। तो आय विधि में बेसिकली उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित आय वो हम ये कहते हैं। और व्यय विधि में मतलब किसी देश की घरेलू सीमा और के अंतर्गत वस्तुओं में किया जाने वाला खर्चा। ये हम सब बेसिक में आपको पढ़ा चुके। और इन तीनों के आधार पर हम बेसिकली क्या करते हैं, जीडीपी गणना करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें कई बार अंतर भी देखने को मिलता है, अक्सर अंतर होता है, क्योंकि हम डेटा को सही से नहीं लेते। इसके बाद 2014-15 में जीडीपी में कई चेंजेस किए गए थे। जीडीपी की गणना में यूपीएससी कई बार पूछती है। पहली बार कैसे, 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी आयोग ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की नई श्रृंखला की शुरुआत, एनएसएसओ एक नई सीरीज लेके आया। दूसरा, आधार वर्ष पहले 2004-05 था, उसको करके 2011-12 कर दिया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2004-05 बहुत पुराना हो चुका था और 2011-12 के पास उसको लाना बहुत जरूरी था। अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक तो परिवर्तन ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की सही स्थिति को दर्शाने के लिए आपको आधार वर्ष बदलना पड़ता है, क्योंकि 2004-05 जो आपका आधार वर्ष है वो बहुत पुराना है। मान लो 2004-05 में किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये थी, लेकिन आज तो उसकी कीमत कम से कम 30 रुपये होगी। तो हम 10 रुपये के आधार पर आज की स्थिति का सही से चेक नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक बैलेंस में लेने के लिए कि मिड टाइम लेना पड़ता है, और वो मिड टाइम है 2011-12। इसलिए अभी जो हमारा आधार वर्ष है 2011। बेसिकली नई जो एनएसए नेशनल स्टैटिक जो सिस्टम आया, नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम आया 2018 का, उसी के आधार पर हम अकाउंटिंग करते हैं। वो है आपका जीबीए बीपी, जीबीए एमपी।
जो ग्रॉस वैल्यू एडेड बेस प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, जिनको हम बेसिक में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, उनके आधार पर सेक्टर वाइज कितना कितना ग्रोथ हुई है, कितना कितना मूल्य में वर्धन हुआ है, उसको चेक किया जाता है। क्योंकि नॉर्मली जीडीपी का मतलब होता है किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य। अब मान लें आपने 10 रुपये की चीज थी, अंतिम मूल्य था 10 रुपये, उसका उत्पादन करिए 100 रुपये, ये क्या है आपका जीडीपी हो जाएगी। लेकिन इसमें यह पता नहीं लग रहा कि इसमें कृषि सेक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट था। अगर मान लो जैसे गेहूं में, अब गेहूं में कृषि की कितनी लागत थी, इसके अलावा इसमें मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी जिसने बिस्कुट बनाया उसकी कितनी लागत थी, और होटल जिसने अपना सर्विस चार्ज लिया है उसकी कितनी लागत है, उसको हम इसके आधार पर चेक नहीं कर पाते। इसलिए मैंने आपको बताया जीबीए को लेकर आए, जहां पर हम सेक्टर वाइज हम कैलकुलेशन कर पाते हैं कि मान लो गेहूं की कीमत 100 रुपये थी, तो गेहूं बेचने वाले ने 10 रुपये उसमें जोड़ा, 110 हो गया। उसके बाद वो बिस्किट बनाने वाली कंपनी के पास गया, उसने भी 10 रुपये जोड़ा, 120 हो गया। तो 10 10, ये ऐसे करके वैल्यू एडिशन हो रहा है, यही आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन। बात तो एक ही है, दोनों आएंगे लास्ट में सेम ही, लेकिन जीडीपी से हमें पता नहीं लग पा रहा था, जीबीए से हमें पता लग रहा था कि क्षेत्रवार कहाँ कहाँ पर वृद्धि है। तो ये सारा स्टेट एक पार्ट है। जीडीपी गणना के अंतर्गत बहुत सारी चुनौती है। पहली बात तो हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसका डेटा हमारे पास नहीं है, वो जीडीपी में आता नहीं है। अब मान लो गांव की दुकानों पे आप छोटी छोटी चीजें बेच रहे हो और उसमें वो रजिस्टर्ड ही नहीं है कहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा वहां कितने की इनकम जनरेट हुई है, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्र को संबंधित पुराने डेटा की मौजूदगी, हमारे पास डेटा नहीं है। कई उत्पादक गतिविधियां, जैसे अब घर के अंतर्गत मान लो आपने देखा होगा, घर के अंदर डोमेस्टिक कार्य, जैसे मान लो एक दुकान है, इस दुकान में मान लें अगर घर का आदमी काम कर रहा है तो उसकी मजदूरी को शामिल नहीं करें, अब तो वो भी एक हिस्सा था। या घर की चीजें इसमें लग रही, मान लें उसको उसमें शामिल ही नहीं कर, महिलाएं घर में काम करती है वो भी जीडीपी में शामिल नहीं होती, तो घरेलू कार्य जीडीपी में शामिल नहीं है। जबकि घरेलू कार्य, एक महिला घर की अगर रोटी बना रही है वो उसको 2,000 रुपये, वो अगर किसी और व्यक्ति उसको रोटी बनाएगा, मतलब एक नौकरानी या घर में लगाएंगे, मेज लगाएंगे, वो यदि रोटी बनाएगी तो उसको पैसे देंगे, तब आपकी जीडीपी में शामिल हो जाएगा। लेकिन एक महिला जो घर का काम करती है उसको आप वैल्यू में शामिल नहीं करते। तो अगर ये चीज आप देखें तो बहुत सारी चीजें जीडीपी गणना में आती ही, इसलिए कहा जाता है कि विकास के लिए जीडीपी एक अच्छा मापक नहीं है, क्योंकि जीडीपी तो केवल ग्रोथ को दिखाता है, लेकिन ग्रोथ की वजह से किसको फायदा होता है इसको जीडीपी नहीं दिखाता। तो देखो, एक तो आप सोचो इसके अंतर्गत आर्थिक अपराध, प्रदूषण, असमानता, इन सभी चीजों को ध्यान में ही नहीं दिया जाता। जीडीपी मतलब है 100 वस्तुएं, इनकी 100 कीमत है, 10 वस्तुओं की 10 कीमत है, जीडीपी हो गई 100। अब इनको कमाने के लिए कितने पर्यावरण के संसाधन खोने पड़े, इनको कमाने के लिए कौन कौन से अपराध करने पड़े, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, इसलिए जीडीपी की कमी है। दूसरा, पर्यावरण जैसे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण कारक है, पारिवारिक ऐसे ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको इसमें कैलकुलेट नहीं किया। सामाजिक नुकसान, जैसे मान लें किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रैक की मरम्मत जैसे आर्थिक गतिविधियों को भी जीडीपी में शामिल की जाती है, यानी सामाजिक नुकसान से होने वाली आय की गणना भी इसमें की जाती है। अब जो नुकसान पहले हो गया उसको दोबारा गणना कर रहे हो आप और दोबारा जीडीपी में जोड़ रहे हो, वो भी सही बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लोगों के जीवन के सामाजिक पहलू और प्राकृतिक पूंजी का लेखा जोखा शामिल नहीं किया था। लोगों की हेल्थ स्थिति कैसी है, लोगों की शिक्षा की स्थिति कैसी है, तो बेसिकली यूपीएससी यहां से इनका क्वेश्चन तो नहीं बनाएगी। क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो मैं बताता हूँ आपको, ये विधियों से बनेगा। आपको देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, सिंपल सा देखो, क्वेश्चन इतना ईजी तो आपको यूपीएससी देगा नहीं, ठीक है, जितना आप सोच रहे हो। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि मान लो अगर हमें पता लग जाए कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के लिए विनिर्माण क्षेत्र जिम्मेदार है या इंडस्ट्री जिम्मेदार है या सर्विस सेक्टर जिम्मेदार है, तो इसका पता हमें किस तरीके से लगे, वो कौन सी विधि कर पाएगी, तो वो सारी चीजें हमें पता लगेगी। यही चीज तो वो कैलकुलेशन करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, कैलकुलेशन करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसका अभी अपडेशन हुआ है हाल ही में, हमारे यहाँ एक रिपोर्ट आई है, नीति आयोग ने जारी की। ध्यान रखा, पहली बात तो इसको जारी करने वाली संस्था कौन, नीति आयोग, और बोला है कि 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी के नाम से एक डिस्कशन पेपर जारी किया गया है, एक डिस्कशन पेपर जारी किया इसने, कौन ने, नीति आयोग ने, और बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए इसे
राष्ट्रीय एमपीआई का उपयोग किया गया। देखो एक होती है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, जिसको आपको पता है वैश्विक लेवल पर जारी किया जाता है, और एक होता है एनपीएन एमपीआई, इसको नीति आयोग जारी करता है, इसको वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पर जारी करता है, इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और इसको हमारे यहाँ पर जारी करता है, इसको बनता है नीति आयोग। अब देखो इस डिस्कशन में क्या क्या चीजें हुई, ये चर्चा पत्र है या पेपर जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, उसमें क्या क्या बात है। तो पहली बात, इन शब्दों को समझना, जो डिस्कशन जो शब्द हाईलाइटेड रहते हैं करंट में, उन्हीं को यूपीएससी क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या है, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो क्या होता है, एच सी आर, तो ये भी पता होना चाहिए एच सी आर होता क्या है पहले तो, ठीक है। तो सबसे सी बात है कि एच सी आर में बहुत तेज गति से गिरावट आई है 2013-14 में, जो भारत में इतनी परसेंट गरीबी थी वो आकर के इतनी परसेंट हो गई है। पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो का मतलब है पॉवर्टी में जितने लोग पहले शामिल थे अब वो कम हो गए, तो इसमें भारी गिरावट आई है इस रेशियो, मतलब इनका जो रेशियो है जनसंख्या के अनुपात में वो कम हुआ है। पहले पॉवर्टी में जनसंख्या के अनुपात में 29% थी, अब 11.28% हो गई है। अर्थात नीति आयोग के अनुसार भारत में पिछले 9 वर्षों में लगभग लगभग 24.81 करोड़ रुपए गरीबी से बाहर, सॉरी करोड़ लोग, लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, ठीक है। इसके साथ साथ इसने ये कहा है कि गरीबी से बाहर होने का मतलब ये नहीं कि अगर मान लो हमने गरीबी की रेखा हमारे 100 रुपये हैं तो व्यक्ति ने 110 कमा लिए तो गरीबी से बाहर हो गए। इसने कहा है कि गरीबी की गहनता, यानी कि जो एमपीआई के अंतर्गत जो 12 पैरामीटर है, अब उस पैरामीटर में हो सकता है वो बाहर तो नहीं निकला, लेकिन वो ज्यादा गरीबी की नजर से भी नजीक आ गया, वो बाहर निकल सकता है। मतलब पहले कोई व्यक्ति के पास मान लो इनकम का रिसोर्सेज नहीं था, अब उसके पास इनकम का रिसोर्सेज है लेकिन सीमित स्तर, यानी गरीबी की ज्यादा, बहुत ज्यादा गरीब गरीबी की स्थिति नहीं है, गरीबी की गहनता यानी कि वंचना में धीरे धीरे कमी होती जा रही है, ठीक है। दूसरी बात, गरीबी के सकल अनुपात में गिरावट का स्तर 2005 से लेकर के 15 तक की तुलना में 2015 से लेकर 2019 के बीच अधिक तीव्र गति से क्या हुआ है, गिरावट हुआ है। देखो एक तो चीज ध्यान रखें, अभी तो हमें यूपीएससी में आंसर इसी के आधार पर रखना, अगर ये बोल रहा है कि 2005-06 से 2015-16 से लेकर के, और 2015-16 से लेकर 2019 के बीच में सबसे ज्यादा गिरावट किस तेज गति से किसमें हुआ है, तो ये बताया गया किसमें हुआ है, ठीक है। नीति आयोग बता रहा है ये डेटा, तो नीति आयोग जारी किया, कितना सही है कितना गलत तो हमें लेन देन नहीं है उससे, लेकिन नीति आयोग इस बात को कह रहा है। ये लाइन याद रख लेना, यूपीएससी लाइन डाल देगी कि ग्रोथ में जो कमी हुई है, मतलब एमपीआई में हमारे यहाँ जो गरीबी बाहर निकली है ज्यादा किस दौर में बाहर निकली, तो इस दौर में बाहर निकली, इन 7 वर्षों में बाहर ज्यादा बताइए। अगला, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें तेज गति से गरीबी में कमी आई है, एमपीआई में कमी आई है। आप सभी जानते हैं एमपीआई के अंतर्गत 12 सूचकांक होते हैं, सब स्टेटिक्स में पढ़ चुके हैं इनको। इसमें सबसे खराब स्थिति हमारी खाने पकाने की इधर आवास के संकेतम रही, जिसके लिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना चल रही है, और सॉरी अभाव का सबसे अधिक स्तर और अभाव का सबसे कम स्तर, मतलब इनमें हमारी स्थिति बहुत सुधरी, बाल विकास, बाल किशोर मृत्यु दर और बिजली में, इनमें स्थिति हमारी सुधरी है। संभावना व्यक्ति गई SDG 1, SDG 1 में यह था कि भाई हम 2030 तक गरीबी से फ्री हो जाएंगे, तो इसमें कहा गया SDG 1 भारत 2030 से पहले ही हासिल कर सकता है, क्योंकि तो SDG 1 में कहा कि एमपीआई को कम से कम आधे तक करना, भारत में पहले एमपीआई थी 29%, अब हमारे यहाँ एमपीआई कितने 11%, हम आधे तो कर दी इसमें खत्म, तो हमने कहीं ना कहीं SDG 1 के टारगेट को प्राप्त कर लिया। एमपीआई आप सभी जानते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर एमपीआई 2021 में जारी की गई। सरकार की अगर मैं बात करूं GIRG पहल के तहत नीति आयोग एमपीआई की नोडल एजेंसी है। GIRG पहल कौन सी है, ये बेसिकली गवर्नमेंट की एक पहल है जो सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर भारत की परफॉर्मेंस को जारी करता है, और इसी के आधार पर इसकी नोडल एजेंसी आपकी नीति आयोग को बनाया गया दोस्तों, और नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी किया है, और रिपोर्ट का आधार बताया उसने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय एमपीआई की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, AF विधि, इसको हम देखते हैं ये विधि क्या होती है। AF विधि है, ये विधि क्या होती है, ये दोहरे कट ऑफ काउंटिंग पद्धति के आधार पर लोगों के निर्धन और गैर निर्धनों के रूप में चिन्हित करती है। AF पद्धति के अनुसार हम वंचना को चेक करते हैं और वंचना के आधार पर नंबर देते हैं कि कितना कट ऑफ हुई है या कितने, जैसे भारत में एमपीआई
निर्धनता कट ऑफ 33.33 सही है, तो उसे एमपीआई निर्धन माना जाएगा। मतलब हमने जैसे मान लो, कैसे सिंपल सी बात है, जो ये एएफ विधि है जिसको बोलते हैं अलकरे फॉस्टर विधि, अलके फॉस्टर में क्या होता है, इसमें देखा जाता है गरीबी का प्रसार, गरीबी की गहनता, दोनों को देखा जाता है। गरीबी का प्रसार, गरीबी का आपको 12 पैरामीटर, ठीक है ना, 12 पैरामीटर है एमपीआई के, आप सभी जानते हैं एमपीआई के 12 पैरामीटर। एक है आपका शिक्षा, एक है स्वास्थ्य, एक है जीवन स्तर। जीवन स्तर में 6-7 पैरामीटर है। जीवन स्तर में है जैसे आपका ईंधन है, बिजली, पानी, आवास, शौचालय, ठीक है, संपत्ति। स्वास्थ्य में आपका क्या है, बाल मृत्यु दर और किसान किशोरी, बाल मृत्यु दर, एक किशोरी मृत्यु दर, बाल एवं किशोर मृत्यु दर। और शिक्षा में आएगा, शिक्षा में है विद्यालय उपस्थित, विद्यालय विद्यालय बस, और विद्यालय में एनरोलमेंट लेने वाली बस। तो 3 चीज आती है। ये 12 पैरामीटर के आधार पर एनपीआई को कैलकुलेट किया। अगर पहले हम गरीबी कैलकुलेट करते थे, भाई किसी को 24 से कैलोरी मिल गई, गरीबी से बाहर निकल, अरे भाई खाना ही खाना कोई गरीबी का एक ही मापक थोड़ी है, बेचारे को शिक्षा नहीं मिली तो खाना कब तक खाए। तो गरीबी का बहुत अच्छे से मापन करने के लिए एमपीआई को लेके आए कि गरीब उसको माना जाएगा जिसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। गरीब का मतलब ये नहीं जिसको खाना मिल गया गरीबी से बाहर हो, ठीक है ना। इसलिए गरीबी का व्यापक स्तर पर मूल्यांकन करने के लिए इस विधि को लेके आए। अब 12 मान लो मापक है, अब 12 मापक में से हमें कैसा पता लगेगा गरीब कितना है। हो सकता है एक व्यक्ति ऐसा हो जिसने मान लो इन 10 मापकों में कम हो, दोनों में अच्छी स्थिति हो, तो जो हेड काउंट के हम ये जो पढ़ रहे थे बेसिकली अलकरे फोस्टर विधि, अलकरे फोस्टर विधि गरीबी के संख्या की वृद्धि के आधार पर चेक करती है और उसी के आधार पर बताते हैं कि कितना कम हुआ है गरीबी का। तो इसको जरूर ध्यान रखना, इस विधि के अंदर विभिन्न संकेतों में एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उस समय अनुभव की जाने वाली अभावों या ओवरलैपिंग वाले अभावों की संख्या की गणना की जाती है। और बेसिकली चेक किया जाता है कि गरीबी अच्छी, गरीबी कितनी है, और उस परिवार में खुशहाली के मापने वाली एक लचीली प्रणाली के रूप में इसको यूज करते हैं। निर्धनता की व्यापकता और तीव्रता आप कैसे करते हो, बेसिकली देखो इसका आकलन बहुआयामी के आधार पर अलग अलग पैरामीटर है, और इन पैरामीटरों के आधार पर हम चेक करते हैं कि कितने पैरामीटरों में उसके पास वंचना है। कितने पैरामीटर, 12 है, अगर मान लो 6 में से वंचना है, 6 में है, तो 50% वंचना में है अभी, ठीक है। उसके आधार पर आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तीव्रता का मतलब यह है कि इन सभी निर्धन लोगों की अभावग्रस्तता के भारत स्कोर को जोड़ा जाता है, फिर उसे निर्धन लोगों कुल संख्या से विभाजित किया जाता है कि टोटल अभावग्रस्त लोगों का क्या वेटेज है और जनसंख्या कितनी है, और उसके बाद उनका परसेंटेज निकाला जाता है। इसी प्रकार होता है काउंट, हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की व्यापकता तीव्रता का गुणा करके एमपीआई का। ये इतना टेक्नोलॉजी पूछ नहीं जाएगा, बस जस्ट गो थ्रू। ये इसके मापक है, मैंने बताया 12 मापक होते हैं, एक स्वास्थ्य में, एक शिक्षा में और जीवन स्तर में। इनका जो मेन मापक है आयाम, 3 आयाम बोलते हैं इनको, इनका 1/3 1/3 हिस्सेदारी होती है। भार वेटेज कितना होता है, 1/3 1/3 1/3। स्वास्थ्य में कितने मापक है, 3। पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य दर, इन तीनों के आधार पर लिया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कितना डेटा आया है। तो ये कह रहा है कोई परिवार वंचित माना जाएगा यदि उसके घर का एक भी सदस्य कुपोषित है, तो उसे वंचना की तीव्रता में रखा जाए। यदि किसी परिवार में 15 से लेकर 49 तक की महिला या इतने का पुरुष जिसका बीएमआई, बीएमआई मतलब आपको पता है आपकी हाइट और आपका वेट को कैलकुलेट करके बीएमआई चेक किया है, तो बीएमआई यदि आपका 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट में आ जाते हो, तो उसको भी इसमें शामिल करेंगे। और यदि कोई 49 माह का अगर कोई बच्चा आपके परिवार में कुपोषित है, तो भी आप वंचना की तीव्रता में आओ। पोषण के समय बाल और किशोर मृत्यु दर में, अगर मान लो 5 साल से पहले अगर कोई बच्चा 18 से कम या किसी बच्चे किशोर की मृत्यु हो जाती, 5 साल से पहले की अवधि में अगर किसी परिवार में 18 से किसी बच्चे की, मतलब बेसिकली कुल मिलाकर किसी भी बच्चे की परिवार में 5 साल से पहले मृत्यु हो जाती है, इस बात मातृत्व में कम से कम 5 साल पहले की अवधि में कोई महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसने कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त नहीं की, वो तो वो इसमें आएगी मातृ स्वास्थ्य। फिर
ये एक्जेक्टली इतना ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, यूपीएससी इतना टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल आपसे पूछेगा नहीं। आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है क्या क्या आता है। तो जीवन स्तर में आ गया, जैसे फ्यूल आ गया, सैनिटाइजेशन आ गया, पेयजल आ गया, विद्युत आ गया, आवास आ गया, परिसंपत्ति आ गई, बैंक खाता। देखो इसमें सात है, इसका 1/3 हिस्सा है, 1/3 भी 1/7 हिस्से में बढ़ जाएगा, तो टोटल हिस्सा कितना आएगा 1/21। तो एक एक का वेटेज कितना है 1/21, ठीक है ना। इनको जस्ट गो थ्रू हो जाएगा। इसके बाद आता है वैश्विक बहुआयामी सूचकांक, इसे बोलते हैं ग्लोबल एमपीआई। ग्लोबल एमपीआई को जारी करने वाली संस्था, ध्यान रखना, सॉरी उस टाइम में वर्ल्ड बैंक बोल रहा था, वर्ल्ड बैंक नहीं, इसको यूएनडीपी के द्वारा और ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें 110 देशों में, अभी ये आया कि 110 देशों में ये संकेतों के आधार पर डेफिनेशन का देखते कितनी वंचना है उसके आधार पर चेक करती है। 2023 के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें बताया गया कि कम से कम 1.1 बिलियन लोग अभी भी बहुआयामी निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। कुल निर्धन लोगों में से 2/3 लोग मध्यम आय वाले देशों में, और कम से कम कम आय वाले देशों में केवल 10%, यानी कि ये कह रहा है कि लगभग 2/3 लोग मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं और कम आय वाले देशों में एमपीआई का केवल 10% हिस्सा रहता है। कुल मिला के यूपीएससी क्वेश्चन एमपीआई से, ग्लोबल एमपीआई से कौन जारी करती है, और दूसरी बात वर्तमान स्टेटस क्या है, इसको लेकर क्वेश्चन आएगा। इतना ज्यादा और टेक्निकल चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना। डीबीटी डीबीटी को लेकर के कोई खास है नहीं है इतना ज्यादा, इसको आप जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाना। डीबीटी कोई बड़ी चीज नहीं है ना, इसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा खास बनेगा नहीं, बस इसमें ये तीन देख लेना डीबीटी में क्या क्या चीज आती है, ठीक है ना। ये कोई काम का नहीं है, एक बार गो थ्रू हो जाना इसमें। सेल्फ हेल्थ ग्रुप में क्या है, सेल्फ हेल्थ ग्रुप आप सभी जानते हैं, लेकिन हाल ही में सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर के मुख्य रूप से लखपति दीदी योजना चलाई गई है, और इसके अंतर्गत महिलाओं को क्या किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग, ताकि वो अपने माइक्रो एंटरप्राइज, छोटे छोटे उद्यमों को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है, उनको मुख्य रूप से स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से शामिल कर सके, उनको बढ़ा सके। इस पहल के बारे में देखो, 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाओं में प्रतिवर्ष कम से कम उनको इतना ज्यादा स्किल कर दो कि कम से कम 1 लाख रुपये वो इनकम कमा ले। दृष्टिकोण महिलाओं को लीडरशिप आधारित और उनके रोजगार को बढ़ावा देने पर फोकस है। इसके अंतर्गत महिलाओं में को प्लम्बिंग के लिए ट्रेनिंग देना, एलईडी बल्ब बनाने के लिए ट्रेनिंग देना, ड्रोन बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, छोटी छोटी चीजों की ट्रेनिंग देना, ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके और महिलाएं 1 लाख रुपए तक की सालाना इनकम भी कमा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आप सभी जानते हैं, ये कुछ पांच चार पांच लोग मिलकर के करते हैं इसको। 2022-23 के अनुसार भारत में इतना लोग हैं, सक्सेसफुल स्टोरी कुटुमश्री है बिहार में, ये कुटुमश्री केरल का बहुत सक्सेस रहा है, बिहार का जीविका, महाराष्ट्र में ये, लद्दाख में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका महत्व क्या है, वित्तीय समावेशन, क्योंकि सभी लोग मिलकर के अपनी आय को जोड़ करके फिर कमाई करते हैं। जैसे आपके पास 100 रुपये, पांच आदमी मिले 500, 500 की चीज खरीद करके फिर 1,000 हो गए, 1,000 की चीज खरीदी फिर 2,000, इस तरीके से काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण, ये बेसिकली ऐसी चीजें इससे होती है। अब थोड़ा सा देख लेना है ये एक चीज की, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण पहल कौन सी है। इन पहलों को लेकर कई बार हो सकता है स्टेटमेंट आ जाए कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहल है, और पहल किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई गई है, उनका उद्देश्य क्या है। तो देखो एक पहल है दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आजीविका मिशन। दीनदयाल तो नाम हो गए हमारे दीनदयाल जी का, अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति का विकास, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आजीविका यानी कि आजीविका में सक्सेस करते हुए व्यक्तियों को विकास करना, इसकी एजेंसी ग्रामीण विकास मंत्रालय। और प्रमुख विशेषता क्या है, इसी प्रमुख विशेषता है कि ग्रामीण गरीब ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ करके उनको सहायता दे करके मुख्य रूप से आगे बढ़ावा देना है, जिसका नाम 2015 में बदल दिया था। पहले इसका नाम सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। दूसरा, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम,
स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम 2016 में चालू किया गया था, जिसका मतलब कि गैर कृषि क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट करके, फाइनेंशियल सपोर्ट प्राप्त करके बढ़ावा, उनको रोजगार को बढ़ावा देना। रहता है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये भी इसी का पार्ट है, किसका, दीनदयाल योजना का, और इसमें महिलाओं की कृषि में भागीदार करके उनको स्किल डेवलपमेंट करना और उनकी स्थिति को मजबूत करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी इसी का पार्ट है, दीनदयाल उपाध्याय योजना का, जिसके अंतर्गत 15 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक की महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं, उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। बुमनिया पहल, ये जेएम की एक पहल है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जहां पर महिलाएं काम करती हैं, जहां पर छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में काम करती है, वो मुख्य रूप से जेम के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जेम से लोग उनको प्रोक्योर कर सके। जेम एक गवर्नमेंट मार्केट प्रोक्योरमेंट, जिसमें कि अंतर्गत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई भी प्रोक्योरमेंट करना है तो जेम के थ्रू करना है, और उसमें यह है कि एक निश्चित अनुपात उनको सेल्फ हेल्प, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप से, एमएसएमई से ही परचेज करना पड़ता है। इसके अलावा महिला सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र योजना 2023 में चलाई गई है, इसमें 15,000 चयनित जो महिलाएं हैं उनको कृषि क्षेत्र में ड्रोनों को यूटिलाइजेशन करने के लिए, चाहे वो ड्रोनों का उर्वरक के रूप में यूज कर सकती है, निगरानी के रूप में यूज कर सकती है, रासायनिक खाद बीजों को, मतलब दवाई भी यूज कर, मतलब उनको, मतलब उसको यूज कर सकती है, ड्रोनों का निगरानी के लिए यूज कर सकती है, वो सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज परियोजना। इसको क्या मामला है, ये योजना बहुत पुरानी है, लेकिन मामला क्या है, तो हाल ही में केंद्रीय विकास मंत्रालय ने कहा है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज में सिंपल सी बात है कि सेल्फ हेल्प ग्रुपों को बैंकों के साथ जोड़ करके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, उनको रियायती दरों पर लोन मिले, उसके लिए योजना 2013-14 में चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत लगभग 10 सालों में लगभग 7.68 लाख करोड़ रुपए का लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जा चुका है अभी तक। ये लाइन इतना करंट की है, दिस इज ओनली करंट। अभी योजना आप सभी जानते हैं कि योजना बचत आधारित सूक्ष्म वित्त मॉडल पर आधारित थी, इसकी शुरुआत बेसिकली हुई थी नाबार्ड में, 1992 में नाबार्ड के द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत ये था, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको रियायती ब्याज दर पर ऋण देने और बचत खोलने के लिए अधिकृत करना। जैसे मान लो 5 व्यक्ति हैं, अब इसके पास 100 रुपये हैं और इसको 100 रुपये चाहिए, अब ये डायरेक्ट इसको जानता भी नहीं, तो क्या करेगा, बैंक के अंतर्गत ये फैसला लीजिए कि 100 रुपये जाके बैंक में जमा करवा, तो इसको क्या फायदा मिलेगा, इसको सेविंग का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जैसे 4% नॉर्मली बैंक देती है, इसको 6% देगी, तो इसको 6% बेनिफिट हो जाएगा। इसके अलावा मान लो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, इसको पैसे चाहिए, ये बैंक के पास जाएगा या उससे लोन ले लेगा, बैंक से नॉर्मल बैंक से अगर ये लोन लेगा तो बैंक से मिलेगा इसको 10%, 12%, 15%, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत इसको सब्सिडी आधारित लोन मिलेगा, ये मिल जाएगा इसको 4%, 5%, 6% में। इस तरीके से यहाँ से फंडिंग लेकर के यहाँ फंडिंग मोबिलाइजेशन, फंड मोबिलाइजेशन तरीके से की जाती है, और स्कीम के अंतर्गत ये काम किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसके क्या क्या घटक है, इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग देना, बैंक शाखा प्रबंधक के साथ उनको जोड़ना, ग्रामीण बैंक शाखाओं में बैंक सखियों को प्रशिक्षण देना जो इनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, ग्रामीण बैंक शाखाओं में समुदाय आधारित रीपेमेंट सिस्टम करवाना, क्रेडिट लिंकेज सिस्टम करवाना जिससे कि किसानों को आसानी से लोन मिल सके। ये 3 चरण है इसके हुए, पहला चरण 1990 से 2005, जिसके अंतर्गत बैंक लिंकेज में नाबार्ड ने रोल निभाया और आरबीआई ने बैंकों को अनुमति दी थी कि वो एसएसजी को लोन दें, पहली बार सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन और वो भी सब्सिडी आधारित लोन की अनुमति मिलेगी। उसके बाद 2006 से 12 लेकर के टारगेटेड व्यक्तियों को लोन देने की बजाय सभी को लोन दे दिया। 2012 के बाद इसके अंतर्गत ये कहा गया कि इसको दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका विकास कार्यक्रम के साथ जोड़, है ना, और पूंजीगत सब्सिडी को हटा गया, ब्याज सब्सिडी की शुरुआत। ठीक है, और भारत में अगर हम देखें माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब छोटे छोटे स्तर पर लोगों को फाइनेंसिंग सुविधाएं दे सके और साथ ही फाइनेंस सुविधाएं जुटा सके, एक तरह से माइक्रो फाइनेंसिंग है, एक आदमी से लिया दूसरे को दिया। ठीक है, तो हाल ही में माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री नेटवर्क ने एक माइक्रो मैटर्स और माइक्रो व्यू नामक एक रिपोर्ट जारी की, किसने जारी की, ध्यान रखने से, ये मुख्य रूप से माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है, और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, 2009 में स्थापित की गई थी, जो माइक्रो फाइनेंशियल की एक पीक सोर्स है, नोडल एजेंसी होती है, ठीक है, नोडल एजेंसी होती है,
फोर माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, ये सूक्ष्म वित्त यानी कि छोटे छोटे जो लोन होते हैं उनको सूक्ष्म वित्त बोलते हैं, जो प्रॉफिट बेस्ड नहीं होते। इस रिपोर्ट में बोला गया कि मैन्युफैक्चरिंग की तुलना में एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां अन्य बीमा संस्था की तुलना में सबसे ज्यादा लोन दिया है। जैसे बैंक को बजाय इन्होंने ज्यादा दिया है, इनकी एनपीवी में गिरावट आई है। पहले इनका एनपी बहुत ज्यादा था, 5.6 था, अब 2.7 हो गया। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी, पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जो हिस्सेदारी उसमें कमी आई। थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान से, कहाँ कमी आई कहाँ वृद्धि। यूपीएससी कमी और वृद्धि को पूछेगी, यानी पूछे कितनी कमी आई कितनी वृद्धि, इसको नहीं पूछेगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आप सभी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति आप सभी जानते हैं, ये सरकार द्वारा आर्थिक व्यवस्था के संचालन के लिए अपनाई गई नीति होती है, जिसे सामान्य भाषा में हम सरकार का आय या व्यय कहते हैं, या सामान्य भाषा में हम सरकार का बजट भी कहते हैं। तो हाल ही में भारत के रिजर्व बैंक ने, धनगर, स्टेट फाइनेंस से संबंधित पहले बात कर रहे हैं। अब आपको पता, राज्य वित्त की अगर मैं बात करूं तो राज्यों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वित्त की प्राप्ति हो सकती है, उसी को इसमें चेक किया जाएगा। एक एक चीज को ध्यान से देना। और यूपीएससी में एक चीज आपसे पूछी जाती है कि कमी हुई है, वृद्धि हुई है, किसकी कमी हुई है, किसकी वृद्धि हुई है, ये पैरामीटर आपको याद होना चाहिए। कितना कमी हुई है, कितना वृद्धि हुई है, इसका ध्यान नहीं रखा। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं। स्टेट फंडिंग, स्टेट फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस में देखें तो हाल ही में रिजर्व बैंक ने, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के फाइनेंस का ध्यान रखता है, रिजर्व बैंक ने स्टेट फाइनेंस 2023-24 बजट का अध्ययन नामक एक रिपोर्ट जारी की। और इसकी थीम थी भारतीय राज्यों की राजस्व डायनेमिक्स एंड राजकोषीय क्षमता। ये इसकी क्या थीम थी और इसमें क्या क्या चीजें फोकस की गई थी। देखो, बजटीय अनुमान 2023-24 के पूंजीगत व्यय के आधार पर हमने वृद्धि की, पूंजीगत व्यय में वृद्धि की, अभी सभी जानते हैं। अब बात 23-24 में वृद्धि की हमने, और 24-25 के बजट में उन्होंने वृद्धि की। तो इसमें वृद्धि की 42.6% की वृद्धि की हमने, यानी कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, रोजगार बढ़ते हैं, और सरकारी इन्वेस्टमेंट ये अच्छी जगह होता है। तो हमने ये कहा है कि देखो, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अब जीडीपी का 2.9% हो गया। दूसरा, राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात मार्च 2023 के अंत तक कम होकर के 27.5% रह गया है, जो मार्च 2021 के अंत में 21% था। देखो, जी ऋण जीडीपी का अनुपात कहता है कि राज्यों ने आज तक लिया गया लोन और राज्य की जीडीपी। मान लो राज्य की जीडीपी है 10 रुपये और राज्यों ने आज तक लोन लिया हुआ है 7 रुपये, अर्थात ऋण जीडीपी अनुपात कितना हुआ, 70%। ठीक है, आज तक लोन। और घाटा क्या होता है, हर साल का लोन जो हर साल लेती है। ठीक है, जैसे बोलते हैं हम राजकोषीय घाटा, घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या से कहां से पैसे लाती है, लोन के माध्यम से। तो सरकार का घाटा क्या होता है, सरकार की उधारियां। तो इसका मतलब यह है कि जो ऋण जीडीपी अनुपात है स्टेट का है वो घटा है, अच्छी बात। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा, यानी कि राज्यों का, राज्यों की बात हो रही स्टेट की, वो भी गिरावट हुआ है। 2021 में 4.1% था, वो 2.1% हो गया, अर्थात राज्यों की स्थिति सुधर। टैक्स बाउंसिंग, टैक्स बाउंसिंग का मतलब होता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ टैक्स कलेक्शन में वृद्धि, उसे बोलते हैं टैक्स बाउंसिंग। तो जीएसटी का कलेक्शन बहुत तेज गति से बढ़ा है, इसलिए राज्यों का टैक्स कलेक्ट, टैक्स बाउंसिंग बढ़ी। तो रिपोर्ट पूछेगी आपसे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत में पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हुई, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऋण जीडीपी अनुपात स्टेट का घटा, तो निम्नलिखित में से एक कितने स्टेटमेंट सही है, एक सही, दो सही, तीन सही, चार सही, ऐसे ही आपसे स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए ये ट्रेंड जरूर समझना है रिपोर्ट का आपका, ये ट्रेंड किस फ्लो में जा रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, इसको यूपीएससी ज्यादा नहीं पूछेगा, याद हो जाए ठीक है, बट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। टैक्स बाउंसिंग का मतलब होता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ कर संग्रह में वृद्धि। टैक्स बाउंसिंग एक से अधिक होने का राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व में वृद्धि बहुत तेजी से, मालूम
देश की इनकम 100 रुपये थी, टैक्स 10 रुपये का टैक्स। अब मान लो इसमें वृद्धि मान लो हो गई 150 रुपये और इसमें वृद्धि हो गई मान लो 20 रुपये। तो अगर हम बात करें कि अगर हम टैक्स की वृद्धि देखें तो इसमें जितना परसेंटेज वृद्धि हुई है उससे ज्यादा वृद्धि इसमें। इसका मतलब कि टैक्स का कलेक्शन जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है। ठीक है, एन के सिंह कमेटी की रिपोर्ट आप सभी जानते हैं, ये समिति आई थी एफ आर बी एम एक्ट का मूल्यांकन करने के लिए। एफ आर बी एम एक्ट आप सभी जानते हैं, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटीय मैनेजमेंट एक्ट था। 2003 में इस एक्ट को लाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भाई सरकार जो खर्चा करती है वो खर्चे को कंट्रोल किया जाए और खर्चे में कहीं ना कहीं उस खर्चे के अंतर्गत खर्चे को ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं कि कोई सरकार आती है और किसी भी तरीके से खर्चा करके चली जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी। ये चीजों पर इसमें ध्यान देने की पूरी बात की गई थी, इसीलिए ये चीजें इसमें हो रही है। तो राज्यों की अगर मैं पूंजीगत खाते की अगर मैं बात करूं तो सॉरी राज्यों की अगर हम बात करें तो इसने रिपोर्ट दी कि क्या क्या हमें घाटे को कम करने के लिए, लोन को कम करने के लिए या सरकार की उधारी को कम करने के लिए इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। ये रिकमेंडेशन दी थी कि एक्ट आया था पहले, इस एक्ट को चेक करने के लिए एफआरबीएम कमेटी के अंतर्गत इस एक्ट को चेक करने के लिए एनके सिंह कमेटी 2012 में आई और 2012 के अंतर्गत इसने रिपोर्ट दी थी कि ऋण जीडीपी अनुपात केंद्र राज्य दोनों को मिलाकर के, केंद्र राज्य यानी कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों ने जितना लोन लिया दोनों की जितनी जीडीपी उसका अनुपात के आधार पर कह रहा है 60% होना चाहिए, जिसमें 40% होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, 20% होना चाहिए स्टेट का। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि 40% अभी ये 47% के समथिंग है और 20% है ये अभी तक कितना देखा है हमने, ये अभी देखा ना हमने कितना है ये 27%। तो इसको हम प्राप्त नहीं कर पा, क्योंकि COVID-19 आ गया और COVID-19 के दौरान इसमें बहुत ही चाहते हैं। इसके बाद था एस्केप क्लॉज, इसके अंतर्गत यह है कि ये जो एन के सिंह कमेटी के द्वारा जो टारगेट दिए गए थे उन टारगेटों को हम प्राप्त तो करेंगे, लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिस दौरान आपको ये अनुमति है कि आप इन टारगेटों को एस्केप कर सकते हो, जैसे अगर मान लो राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध हो गया आपदा आ गई, ऐसी स्थिति में आपको इन लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध छूट दी गई थी और यही छूट रही और इसी के कारण COVID-19 के दौरान हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक चीज आपको यहां से देखनी है और ये चीज लाइन से आपको पढ़नी है, यही चीज आपकी आई। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अगले वीडियो थोड़ा सा और बड़े करेंगे और इसको थोड़ा जल्दी लेंगे, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज वही पॉइंट को आपको ध्यान दें, जो पॉइंट बता रहा हूँ उसी को ध्यान रखना है। इसमें 150 पेज है, पढ़ पाना बहुत ही असंभव हो जाएगा। काम की चीजें याद रखनी है और जो काम की नहीं है उनको याद नहीं रखना। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।